अरे मोदी चाचा, आपके यहाँ की मुझे कंप्लेन मिली है, कंप्लेन। अरे बताओ ये क्या कर रहे हो यहाँ पे तुम लोग? एक बकरा 2.5-2.5 लाख रुपए का बेच रहे हो। मुझे ये अभी खोरन मुझे पता चला है कि आप एक बकरा 2.5 लाख का बेच रहे हो। ये बताओ इतना महंगा बकरा क्यों बेच रहे हो? जनता परेशान हो चुकी है, कहाँ से खरीदेगी इतना महंगा बकरा? गरीब आदमी क्या करेगा, आप ही बताओ। अरे राहुल सिपाही जी, ये बताइए आपसे किसने कंप्लेन किया है? किसकी हिम्मत हो गई, मजाल किसकी जो कंप्लेन करे हमारे यहाँ बकरे की? अरे ऐसे थोड़ी होता है बकरे की कंप्लेन। अरे मेरा बकरा जितनी कीमती है उतनी कीमत में बेच रहा हूँ, जिसको लेना है वो लेगा। अब गरीब आदमी नहीं ले सकता तो मैं क्या कर डालूँ उसमें? मैं कौन सा अमीर बहुत ज़्यादा हूँ? मैं ज़्यादा अमीर नहीं हूँ, मैं भी बकरे लेके आता हूँ 2-2 लाख रुपये में, फिर 2.5-2.5 लाख रुपये में बेचता हूँ। अब तुम बता रहे हो इतना महंगा क्यों बेच रहे हो? मैं आपको बता दूं, बहुत सारी कीमत लग जाती है, बहुत सारी कीमत। अभी देखो मेरे पास योगी जी आए बकरे लेने के लिए, अभी देखो ये इनको क्या रेट बताता हूं। योगी जी, तुम्हारे लिए बकरे की कीमत कम से कम 5 लाख रुपए है जो आप पकड़ रखे हो, और ये बकरा कम से कम 3.5 लाख का मिलेगा। जो लेना है बताओ तुम। अरे मोदी जी एक बात बताइए, इतना महंगा बकरा बेच रहे हो, हम कहाँ से लेंगे इतना महंगा बकरा? मैंने सोचा था 10-5 हजार रुपये में जुगाड़ बन जाएगा, अब बताओ इतना महंगा बकरा बेच रहे हो 2.5 लाख रुपए, कोई 3.5 लाख, कोई 5.5 लाख। अरे तो पुलिस तो आती आएगी आएगी। अब बताइए राहुल जी, देखो इतना महंगा बकरा हमको दे रहे हैं, आप ही बताओ क्या करना चाहिए? इतना महंगा तो बकरा है नहीं, इसकी कीमत बहुत से ज़्यादा 10 हजार रुपये, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। हम लोगों को लूट रहे हैं मोदी जी, बताए रहूं, कुछ करो राहुल भैया। चलो मोदी जी, तुम अपना टैक्स जमा करो, टैक्स तो तुम्हें जमा करना पड़ेगा। जमा नहीं करोगे तो एक समझ लेना कि सुबह तुम्हारे यहाँ पे एक टीम आएगी, वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स जमा कराएगी। भाई लोग वीडियो लाइक करो, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करो। अखिलेश भैया देखो कितनी मोटी मोटी मछली, कितनी मोटी मोटी मछली। इसीलिए कहता हूँ कि सुबह से शाम तक मछली मारते रहेंगे, अच्छा खासा मुनाफा होता रहेगा, बहुत ही अच्छा मुनाफा, बहुत ही अच्छा मुनाफा। कल मछली का रेट इतना अच्छा गया था कि ये पूछो मत। इस तालाब में मैंने सोचा है कि इसमें 4 आदमी को मैं निकाल देता हूँ और 4 लोग मिलकर के काम करता हूँ। मैं तो राहुल को बिल्कुल निकाल देना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेहनत नहीं करते, ये फ्री का बिल्कुल एकदम अपना ढूंढते रहते हैं। तो भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम परमानेंट रहते नहीं हो, आज से तुमको निकाल दे रहा हूँ और मोदी जी को कर ले रहा हूँ तुम्हारे जगह पर। मोदी जी अच्छा काम करते हैं ये बता दे रहा हूँ मैं। अरे अमित शाह जी देखो, तुम निकाल दोगे इसकी कोई हमें फिक्र नहीं, लेकिन एक बात बताऊं, इतने दिन से काम कर रहा हूँ आपके पास, मछली का बहुत सारा मैंने काम किया, आज आपको मेरा काम पसंद नहीं आया तो एकदम मुझको निकाले दे रहे हो, ये कोई बात नहीं होती अमित शाह जी। देखो मुझे निकालो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बात मेरी कान खोल करके आप सुन लो, वो मैं बताना चाह रहा हूँ बहुत देर से आपसे। बात ऐसी है कि मुझे निकालो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसका एक्सपीरियंस बता दो कि मछली पालन में कितने पैसे लगते हैं, मछली पालन का पूरा मुझे जायजा दे दो। मैं कभी नहीं आपसे बोलूंगा कि मुझे काम से निकालो, अरे निकाल दो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मछली पालन का बात बताओ मुझे कैसे किया जाता है। अरे भैया एक बात हम बताऊं, एक बात मैं बताऊं, मेरी बात बिल्कुल गौर से सुन लेना, मैं बताया दे रहा हूं अमित शाह जी, इनको राहुल को ट्रिक मत देना, इनको अगर ट्रिक दे दोगे तो हम लोगों का काम सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि साइड में ये भी तालाब लगाने वाला है और मछली पालन खोलेगा। क्यों भैया क्यों नितेश कुमार, मैं सही कह रहा हूँ गलत ये बताओ मुझे? ये तो अखिलेश भैया बिल्कुल बात सही है, हमारा यहाँ पे भी नहीं बताया जाता। भैया अपना नुस्खा बताओगे तो भैया बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हमको पता है ये बात, इसीलिए तो हम लोग बताते नहीं किसी को। मत बताना मत बताना। भाई लोग वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।